नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे लहसुन का छिलका आसानी से कैसे उतारा जाए अचार बनाने के लिए। उसके लिए जो है आप लहसुन को भिगो दीजिए, कम से कम 3-4 घंटा भीगा रहे। पहले उसको लहसुन की जो आड़ी है जो उसको फोड़ के जवा जवा अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद उसका जो पंख निकलता है, उसका जो सफ़ेद सफ़ेद पंखी कहा जाएगा वो निकलता है, उसको आप फेंक दीजिए। उसके बाद जो उसको भिगो दीजिए, कम से कम वो 3-4 घंटे तक भीगा रहे। उसके बाद आगे हम बताते हैं आपको कैसे आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो वैसे निकालो तो हाथ का ये जो है, हाथ का पोट जो है, ये सब दर्द होने लगता है। 2-4 दिन तक दर्द होता, पट भी जाता है, इसलिए दर्द बहुत होता है। इसलिए जो है आसानी से उतारने की विधि बताएँगे कि जल्दी से आप चाहे जितना भी लहसुन छील डालें, आपका हाथ नहीं दर्द होगा। ये हमने लहसुन लिया है, लहसुन को फोड़ लिए। फोड़ने के बाद इसको भिगो दिया है, कम से कम 3-4 घंटा पानी में भीगा हुआ था। अभी अच्छा से भीग गया है। ये देखिए, अब इसको हम चक्कू के सहारे से छिलका आसानी से निकाल सकते हैं, झटापट तरीके से। आज लगते हैं जो कि 2-4 दिन तक दर्द करते रहते हैं, इसलिए झटपट आसानी तरीके से बताएंगे निकालना। लहसुन को फोड़ लिया है, सब कलियां उनकी अलग अलग कर लिया है। उसके बाद इसको हमने पानी में भिगो दिया है। पानी भिगोने के बाद कम से कम 4-5 घंटे इसको रख दिया है फूलने के लिए। अभी 4-5 घंटे के बाद फूल के जो है ऐसे हो गया है। अब इसको हम एक चक्कू लेंगे और चक्कू के सहारे से निकालेंगे। तो लाइक करिए। ये देखिए, मेरा लहसुन छिल गया है। कितने अच्छे तरीके से इसकी छिलका सब उतर गया है आसानी से। आप लोग भी इसे उतारिए और बताइए कैसा लगा। देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।